तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सरवाइव करूंगा 100 डेज इस घने जंगल में, और इस जंगल में मेरा साथ देने के लिए कोई भी मेरे साथ में नहीं होगा। और इस जर्नी को हार्ड बनाने के लिए मैं खेलने वाला हूं इसे हार्डकोर मोड में। मतलब एक छोटी सी गलती और मेरा वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए डिलीट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस वीडियो में मेरे कुछ गोल्स भी हैं। पहला, मुझे बनाना है अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान सा घर। दूसरा, मुझे क्राफ्ट करना है अपने लिए फुल्ली इंचांटेड डायमंड आर्मर और टूल्स को। और तीसरा, इस काली खनिज की बच्ची को मार के हमें माइनक्राफ्ट का एंड करना है। तो क्या मैं इन सारी चीजों को कर पाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटी चीज, इस वीडियो को बनाने में मुझे सच में हफ्तों की मेहनत लगी है, और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर के। तो प्लीज एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डे वन को मैं स्पॉन हुआ था इस घने जंगल में, और पहले दिन तो भाई कुछ समझ नहीं आया कि करे तो क्या करे, क्योंकि मेरे चारों तरफ बस बड़े बड़े से पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन पेड़ों को काट कर अपने लिए कुछ लकड़ियों के औजार बना लिए जाए। हाँ यार, उसे वुडन टूल्स कहते हैं, पर देखो मैं तो मोगली हूँ, मैं हिंदी मीडियम से, तो मैं यही बोलूँगा। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ से बहुत सारे पेड़ तोड़ लिए, और उन पेड़ के सारे लकड़ियों से मैंने अपने लिए कुछ वुडन के मतलब लकड़ियों के औजार बना लिए। फिर सामने मुझे यहाँ पे एक गाय दिखाई थी, तो खाना पीना भी कुछ जरूरी था भाई, तो फिर चले गए अपन उसके पास और सब लोग पहुँचा दिया उन्हें। अबे साले, फिर मैं निकल पड़ा आगे और थोड़े से खाने पीने की तलाश में। पर खाना पीना तो नहीं, मुझे यहाँ पे एक पहाड़ मिला जहाँ से मुझे बहुत सारे पत्थर और कोयले मिल गए थे, जिसका मतलब मैं अपने सारे खाने को अब पका के खा सकता था, मतलब कच्चा खाना नहीं पड़ेगा मुझे, और अपने सारे टूल्स को मैं पत्थरों में कन्वर्ट कर सकता था। तो फटाफट से मैंने यहाँ से जितने भी हो सके उतने ज़्यादा मैंने यहाँ पे पत्थर और आयरन, पत्थर और कोयला तोड़ना यहाँ से चालू कर दिया। तो जब मैं यहाँ से पत्थर और कोयले तोड़ रहा, तभी मुझे एक यहाँ पे आवाज़ आई, तो फटाक से मैं भाग के वहाँ पर गया, और वहाँ पे भाई साहब एक और गाय खड़ी हुई मिल गई। तो फटाक से मैंने उसे मारा, और उसी के पास से मुझे थोड़े से आयरन दिख गए। फटाक से मैंने यहाँ पे अपने सारे औजारों को पत्थरों में कन्वर्ट कर लिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी आयरन थे उन सारे आयरन को मैं यहाँ से एक एक करके तोड़ लिया। फिर सारे आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अपने पुराने धंधे पे, मतलब वही पत्थर और कोयला तोड़ना यार, अब इसके अलावा काम क्या बचा अपने पास। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे को पत्थर और कोयले बचे थे, यहाँ पे मैंने सारे कोयले और पत्थर को तोड़ना चालू कर दिया, ताकि अपने पास सारी चीज़ें भर के हो जाए। जब मैं यहाँ पे पत्थर कोयला तोड़ रहा था, अभी मुझे और यहाँ पे थोड़े से आयरन दिख गए, तो फटाफट से मैंने अपने लिए कुछ भट्टियाँ यहाँ पे बना ली, और मेरे सारे आयरन और खाने को यहाँ पे पकने के लिए रख दिया, और जितने भी आयरन यहाँ पे थे उन सभी आयरन को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। फिर मिले हुए सारे आयरन को मैंने यहाँ पे पका लिया, एंड पके हुए सारे आयरन से मैंने बनाई अपने लिए एक बाल्टी, एक कैंची, और एक अपने लिए बनाई शील्ड, ताकि अब मैं सेफ रहूँ। फिर सारे सामान को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और भाई साहब रात भी होने वाली थी, तो मुझे सोने के लिए भाई बेड भी बनाना था, और उसके लिए मुझे शिप चाहिए थी, तो मैं निकल गया अपने शिप के तलाश के लिए। तो फिर रास्ते में मुझे वाटरमेलन मिले, काऊ मिले, सुअर तक मिले भाई, लेकिन एक भी शिप नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये था कि अब अपने को पूरी रात इस जंगल में ऐसे ही बितानी पड़ेगी यार, मतलब एनीवेज। फिर थोड़ी दूर पे जाते ही मुझे एक केव दिख गई, तो फटाफट से मैंने केव के अंदर छलांग लगाई और अपने लिए कुछ टॉर्चेस वगैरह बना लिए, ताकि भाई अपने को अंधेरे में अपने को दिखे और तुम्हें भी दिखे। और फटाक से जब मैं अंदर गया, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्चेस प्लेस वगैरह कर दिए यहाँ, और फटाक से जाके मैंने कुछ आयरन यहाँ पे माइन करना चालू कर दिए। जब मैं आयरन माइन करा, तो यहाँ के कुछ रहवासी लोग को तो भाई मुझसे कुछ तकलीफ हो गई, भाई सामने आके फटी गए एकदम, और एक तो भाई ऐसा फटा कि भाई लिटरली मेरे ने एकदम आधा हार्ट बचा था। वो तो अच्छा हो मेरे पास है शील्ड थी, वरना बोलो राम बोलो भाई राम। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी हेल्थ बढ़ाई, एंड केव में मैंने और तलाश की, तो मुझे यहाँ पे थोड़े से और आयरन और कोयला वगैरह मिल गए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे आयरन और सारे कोयलों को यहाँ से माइन कर लिया। फिर उसी केव में मैंने अपने लिए एक 4x4 का कमरा बनाया, और सारे अपने आयरन और खाने को मैंने वहीं पे स्मेल्ट कर दिया, और रात भर इंतजार किया उनके स्मेल्ट होने का। फिर जैसे मेरे सारे आयरन स्मेल्ट हो गए, तो मैंने अपने लिए चमचमाता हुआ पूरा एक लोहे का आर्मर सेट बना लिया और उसे पहन लिया। फिर उसके बाद बचे हुए जितने भी लोहे थे उनसे मैंने पूरे लोहे के औजार बनाए, और फिर मैं उस केव से बाहर आ गया। तो केव से बाहर आने के बाद मैंने फिर से अपनी तलाश जारी कर दी, ताकि मुझे कहीं किनारे पे कोई शिप वगैरह मिल जाए, तो उससे वूल लेके मैं अपने लिए बेड बना सकूं। पर मुझे शिप तो नहीं मिली, पर यहाँ पे मुझे नरक का दरवाज़ा मिल गया। हाँ वही अपना रूइन पोर्टल यार। तो
फिर क्या था, अपन चले गए उसको अपन वहां से लूटने के लिए। और उस रूइन पोर्टल में एक दान पेटी थी जिसके अंदर मुझे कुछ नीले पत्थर, थोड़े से सोने के तलवार और कुछ लोहे के टुकड़े दिख गए। बस ठीक ठाक लूट थी यार, तो उन्हें लेकर फिर मैं आगे निकल गया था कि और कुछ मुझे मिल सके। और फिर मैं शिप ढूंढ ही रहा था कि पास में मुझे एक बड़ा सा केव मिल गया जिसमें बहुत सारे आयरन दिख रहे थे, तो खुशी में मैं फटाक से चला गया उसको लूटने के लिए। और जैसे मैं नीचे गया मुझे पता नहीं चला कि मेरे आगे एक खाई है, और इतने ऊपर से गिरा ना मैं कि मेरे हेल्थ और चिकन लेग पीस दोनों कम हो गए। फटाफट से मैंने अपने हेल्थ बढ़ाई और जाके पूरे आयरन को वहाँ से तोड़ लिया। और जैसे जब मैं नीचे गया तो नीचे जाके देखा था दो लोग जो है कुछ जगह के लिए अपने लड़ाई कर रहे थे। तो फिर हड्डी कटा से जीत गया, तो फटक से मैंने इसको अवार्ड के तौर पे मुक्ति दे दी। और यहाँ से जितने भी आयरन थे मैंने सारे आयरन को यहाँ से तोड़ लिया। और आयरन तोड़ के बाहर आया तो फिर से रात हो चुकी थी, और फिर से मेरे पास बेड नहीं था ताकि मैं जाके फिर से सो सकूँ। तो फिर क्या था, फिर यहाँ से मैंने कुछ शुगर कैन वगैरह तोड़े और अपनी नैया लेके चला गया झुमरे तलैया में कुछ और चीज़ें ढूंढने के लिए। घूमते भाई मुझे यहाँ पे दो और नरक के दरवाजे मिल गए जिसमें से मुझे ठीक ठाक से लूट वगैरह मिल गए, मतलब कपड़े वगैरह मिल गए, और तो ऐसे लोहे के कुल्हाड़ी वगैरह भी मिल गए थे मुझे यहाँ पे। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद भगवान की दया से सुबह सुबह मुझे यहाँ पे चार थोड़े से भेड़ बकरियाँ भी दिख गए, जिसका मतलब ये था कि मेरे अब सोने का जुगाड़ हो चुका है, बेड वगैरह मैं बना सकता हूँ। तो तुरंत मैंने अपने कैंची निकाली और इनके सारे यहाँ से जितने भी इनके पास वूल लगे थे मैं सबको छील छाल डाला यहाँ से मैंने। तो सारे सीप से वूल कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ किनारे पे। और सबसे पहले किनारे पे जाने के बाद मैं अपने सारे सामान को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ, और सारे चेस्ट लगाने के बाद जितने भी मेरे पास सामान थे सारे सामान को मैं चेस्ट में यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए क्राफ्ट करता हूँ एक हो, और हो क्राफ्ट करने मैं अपने यहाँ पे थोड़ी सी खेती करता हूँ। जितने भी मेरे पास गेहूँ के बीज थे उन सारे गेहूँ के बीज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और उनमें बोनमील कर देता हूँ ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो हो जाएँ। जैसे ग्रो हो जाते तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेता हूँ, और इनसे मिले हुए जितने भी मुझे गेहूँ मिलते हैं उन सारे गेहूँ से मैं अपने शिफ्ट को अपने बेस तक ले आता हूँ ताकि भाई खाने पीने का जुगाड़ अपना हो जाएगा अच्छे से, तो बार बार अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ को ला के मैं यहाँ पे कैद कर लेता हूँ। एनीवेज फिर मैं अपने बेस को क्लियरेंस करने का काम चालू कर देता हूँ। हरी दोपहर में भाई साहब मैं पूरे पेड़ों को यहाँ से तोड़ता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ से ज़मीनों को साफ करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से और ज़मीनों को साफ करता हूँ और अपने बेस को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और अपने शुगर केन को फार्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं अपने शुगर केन वगैरह भी फ्यूचर में लगा सकूँ और ज़्यादा। फिर अपने एक फेंसेस लगा के यहाँ पे अपने बकरियों को कैद कर लेता हूँ। और ये सोची कि अपने बेस के पीछे जस्ट मैं अपने लिए एक खेत का जुगाड़ कर लेता हूँ ताकि भाई साहब थोड़ी सी खेती बाड़ी भी कर लूँ, क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत काम आने वाला भाई। फिर जितने भी अगर गेहूँ के सीड्स वगैरह होते हैं उन सारी सीड्स को मैं इसके अंदर प्लांट कर लेता हूँ। और रात हो जाती है तो फिर मैं जाके सो जाता हूँ। अपना बेस एकदम मस्त लग रहा था। अब हमें जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ काम करनी थी वो ये थी कि हमें अपने लिए पूरा एक हीरे का कवच बनाना था, जिसके लिए मुझे खुदाई करनी बहुत ज़रूरी थी। अरे मैं हिंदी मीडियम से हो यार, कितनी जल्दी भूल जाते हो यार। फटाफट से मैं नीचे उतरता हूँ, और नीचे उतरते सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ सीढ़ियाँ बना लेता हूँ और कुछ लोहे की कुल्हाड़ियाँ बना लेता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एकदम स्ट्रेट लाइन में मैं माइनिंग करता हूँ, देखिए मुझे स्ट्रेट वाली जो लाइन है ये मुझे सीधा लेके जाएगी नीचे माइनस वाई लेवल 55 तक, जहाँ पे जाकर मैं इजीली हीरे जवाहरात वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो माइनस वाई लेवल 55 पे पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे पानी लगा डाल देता हूँ और सीढ़ी लगा के ऊपर आ जाता हूँ ताकि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए। जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अपने जगह थोड़ा सा लाइट अप कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉब्स वगैरह आके यहाँ पे हमें परेशान ना करे। लेकिन जब मैं यहाँ पे लाइट वगैरह सक, क्योंकि लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स वगैरह आते हैं, और जब मैं लाइटें लगा यहाँ पे लगा ही रहा तभी मेरे पे एक स्पाइडरमैन भाई साहब, जो हमारे पीटर पार्कर भाई साहब, हमारे पे हमला कर देते हैं पता नहीं क्यों। फिर स्वर्ग लोग पहुँचा देता भाई मैं इनको, और क्या। फिर यहाँ पे जितने भी आते हैं सभी को मार देता हूँ मैं, और रात भाई इनसे फाइट करता हूँ। तभी मुझे यहाँ पे एक जॉम्बी विलेजर दिख जाता है, मतलब इस गाँव वाले को अब मुझे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा काम था अभी। तो फटाफट से मैं इसे अपने बेस की तरफ ले आता हूँ और इसे इस गाँव वाले को एक नैया में बैठा के कैद कर लेता हूँ। एनीवेज अभी हमें एक गांव वाला या गांव वाली जो भी है अभी मिल चुका है हमें, और अभी हमें इसका इलाज करके इसको ठीक करना था। और इसको ठीक करने के लिए मुझे अभी एक हीरे की कुल्हाड़ी चाहिए थी जिसकी मदद से मैं एक नरक का दरवाजा बना पाऊँ और नरक में जाके इसके लिए सैनिटाइजर की बोतल ले आ पाऊँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे एक पोशंस ऑफ वीकनेस, ठीक है। और अभी इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए थी एक हीरे की कुल्हाड़ी जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अभी खुदाई करने के लिए।
फिर मैं चला जाता हूँ माइनस वाई लेवल 55 पे अपने खुदाई के काम को पूरा करने के लिए। और इस बार जो है मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में खुदाई कर रहा था और भगवान की दया से हमें यहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले यहाँ पे। तो पूरे 41 डायमंड के साथ मैं सरफेस पे चला आता हूँ और सरफेस बनने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए फुल हीरे का कवच बनाता हूँ। और उसके बाद मैं अपने पूरे हथियारों को हीरे के हथियारों में बदल देता हूँ। और भाई कतई बाहुबली वाली फीलिंग आ रही थी इसे पहनने के बाद, तो मतलब देख रहे हो एकदम गॉड लेवल। तो अब मुझे दूसरा काम करना ये था कि इस गांव वाला के लिए मुझे नरक में जाके सैनिटाइजर बॉटल बनाने वाली सामान को लेकर आना था। इसके लिए मुझे ऑक्सीडियन की ज़रूरत थी। तो फिर मैं निकल जाता हूँ ऑक्सीडियन के तलाश में कि कहीं पे मुझे लावा पूल मिल जाए और मैं वहाँ से ऑक्सीडियन कलेक्ट कर लूँ। एंड फाइनली थोड़ी दूर जाते ही मुझे वहाँ पे एक लावा पूल दिया जाए जिसमें पानी के मदद से मैं उसे पूरा ऑक्सीडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से सारे ऑक्सीडियन को मैं जो है तोड़ लेता हूँ। इन ऑक्सीजन को तोड़ने के बाद जब मैं घर आ रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे कुछ गाय दिख जाती है। इसका मतलब यही था कि मुझे अनलिमिटेड लेदर मिल सकता था। तो फटाक से मैं इन्हें भीड़ दिखाता हूँ और इन्हें अपने बेस पे ले आता हूँ। बेस पे लाने के बाद इन्हें अपने बेस पे बंद कर देता हूँ और इन्हें थोड़ा सा खाना पानी देता हूँ ताकि ये ब्रीड वगैरह करें, बढ़ जाए, इनकी तादाद थोड़ी बढ़ जाए। फिर मैं अपने लिए नरक का दरवाज़ा बनाता हूँ और चला जाता हूँ नरक की गलियों में शेयर करने के लिए। और नर्क की गलियों में मुझे भाई थोड़ा सा सही से एक स्पॉन मिल चुका था। मतलब मेरे चारों तरफ बस लावा ही लावा थे। ये बहुत ही सही स्पॉन था मेरे लिए, मतलब एक्चुअली। तो यहाँ वहाँ थोड़े से नज़र घुमाने के बाद फिर मैं अपने यहाँ पे काम चालू कर देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ सफ़ेद पत्थर तोड़ना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मैं बहुत सारे सफ़ेद पत्थर तोड़ लेता हूँ एक्सपी बढ़ाने के लिए। और यहाँ से कुछ गोल्ड तोड़ लेता हूँ। और दोबारा जब मैं सफ़ेद पत्थर को तोड़ रहा होता तो तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे क्या मिलता है भाई साहब? मुझे यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्रीज मिल गई थी यार, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रेयर होता है इतने ऊँची हाइट पर मिलना। फिर मैं यहाँ से इसको तोड़ लेता हूँ। जब उसके बाद फिर तोड़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ लाल किले के तलाश में, क्योंकि भाई अपने को सैनिटाइजर बॉटल बनाने का सामान तो वहीं से मिलने वाला है ना। तो जैसे वहाँ से तोड़ने के बाद थोड़ा आगे निकलता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरे स्पॉन पॉइंट पे ही एक लाल किला था। भाई कितना लकीएस्ट था मेरे लिए स्पॉन वगैरह, मतलब तो मेरे स्पॉन पे एक लाल किला था। तो फटाक से मैं इस लाल किले के अंदर चला जाता हूँ और लाल किले के अंदर जाने के बाद मैं फटाक से ढूंढना चालू करता हूँ कहीं से मुझे ब्लेजर वगैरह मिल जाए। तो थोड़ा आगे जाने में मुझे इस लाल किले के अंदर एक दान पेटी मिल जाती है और इस दान पेटी के अंदर से मुझे कुछ गोल्ड बिस्किट मिल जाते हैं और दूसरा दान पेटी खोलने में मुझे यहाँ पे 3 डायमंड मिल जाते हैं भाई साहब। फिर मैं नेदर को यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ ताकि मुझे कुछ और यहाँ पे मिल जाए। तभी थोड़ा दूर आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एक लाल बगीचा मिल जाता है। तो उसकी रखवाली एक कंकाल भाई साहब कर रहे थे अंबानी बन के। तो फटाक से मैं इस अंबानी भाई साहब को यहाँ पे मारता हूँ। यहाँ से जितने भी फूल वगैरह थे सभी फूल को तोड़ लेता हूँ। इसे नेदर कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि पोशंस वगैरह बनाने में बहुत काम आता है। तो फिर जैसे आगे थोड़ा सा जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और एक भाई साहब दिख जाते हैं, ब्लेज भाई साहब जिसे हम कहते हैं, जो हमें साइकिल की अगरबत्ती देने वाले थे। तो फटाक से मैं इसे मार के साइकिल अगरबत्ती यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजर्स को मारता हूँ साइकिल अगरबत्ती कलेक्ट करने के लिए। और इन ब्लेजर्स को मार के यहाँ से मैं निकल ही रहा था, पता नहीं काले कंकाल लोगों को क्या हो गया, मेरे पे एकदम भड़क गए, 3 के 3 एक साथ आ गए मेरे पे अटैक करने के लिए। इस समय पता, और इस समय सच बताऊँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, बिकॉज यहाँ पे मेरे एकदम एसपी देखना एकदम 1 हार्ट पे आके बच गया था भाई। मैं मुझे तो लगा था कि हार्डकोर वर्ल्ड मेरा अभी यहीं कहीं खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत देर के बाद फूड निकाला था। एंड फटाफट से मैंने अपने पेट पूजा की और अपने हेल्थ को बढ़ाया और इस चेस्ट को चेक करने में मुझे पता था कि इसके अंदर भी 3 डायमंड थे भाई साहब। तो ये डायमंड की सुरक्षा कर रहे थे इन लोग। फिर यहाँ से सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड और इनफ मेरे पास साइकिल अगरबत्ती वगैरह हो गए थे, तो फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड की तरफ निकल जाता हूँ। सरफेस के अंदर सबसे पहले मैं अपने एक ब्रूविंग स्टैंड बनाता हूँ और उसके बाद बनाता हूँ अपने विलेजर के लिए एक सैनिटाइजर की बॉटल और सैनिटाइजर की बॉटल उसके सर पे फेंक के मारता हूँ और उसे एक सोने का सेफ खिलाता हूँ और बहुत देर तक इंतजार करता हूँ उसके ठीक होने का। 1 hour later फिर थोड़े टाइम बाद फाइनली मेरा जो विलेजर था वो गाँव वाला वो ठीक हो चुका था। तो मैं जाके उसके पास जाके देखता हूँ तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सोचता हूँ कि इसके लिए मैं बेड बना लूँ एक, तो मैं इसके लिए एक बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड उसके पास जाके लगा देता हूँ ताकि भाई साहब कहीं भागे वागे नहीं, यहीं पे सोए अपने यहीं पे रहे।
मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एक लोहे का दरवाजा बना के लगाने जा ही रहा था कि पता नहीं कहाँ से इसके बहुत सारे रिश्तेदार आ गए इससे मिलने के लिए, इसका हालचाल पूछने के लिए। तो फिर मैंने उन्हें छोड़ के आगे चला गया। क्या मतलब कि डर गया था भाई, मैं डरा नहीं था, उन लोग मिलने आए थे उससे हालचाल पूछने के, तो मैं ऐसे ही बोल के आगे निकल गया उनके लिए। फिर जैसे तैसे मैं ऊपर आया, कोई इस ज़ॉम्बी विलेज के जितने भी रिश्तेदार थे सभी रिश्तेदारों को मैंने मार के स्वर्ग लोग पहुँचा दिया, और नाश्ते का भी जुगाड़ हो जाएगा ना भाई। और मैं इनके रिश्तेदारों को मार ही रहा था कि यहाँ से एक छोटा सा परिवार भी इनका आ गया था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी विलेजर था, तो उसे पकड़ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके आजू बाजू में जितने भी उसके रिश्तेदार थे उन सभी को मैंने मार दिया, और इस गाँव वाले को एक नैया में बैठा के इसके ऊपर मैंने एक सैनिटाइजर की बॉटल छिड़क दी, और इसे एक सोने का सेफ खिलाया, और इसे भी एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। The next morning, फाइनली अपने दोनों विलेजर यहाँ पे ठीक हो चुके थे, इसे देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना पशुपालन वगैरह किया भाई साहब, क्योंकि इससे पहले बहुत लोगों को मारा था भाई मैंने, थोड़ा पुण्य भी कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने पशुपालन यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने अपने खेतों पे भी काम चम कर लिया, थोड़ा सा फूड वगैरह भी हो जाएगा भाई साहब तो अच्छा रहेगा भाई, खाने पीने का जुगाड़ होना चाहिए ना यार। तो फाइनली अपने पास दो विलेजर आ चुके थे, जिसका मतलब ये था कि अब इन्हें हम ब्रीड करा के इनके हम किड्स करवा सकते थे। लेकिन इनके को ब्रीड कराने से पहले मुझे इनके लिए एक ब्रीडिंग हॉल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वहाँ से मैंने इनके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्रीडिंग हॉल बनाना। अपना जो ब्रीडिंग हॉल है वो बन के तैयार हो चुका था। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा ब्रीडिंग हॉल एक कैसा लगा। और इस ब्रीडिंग हॉल के सामने जस्ट मैंने अपने नेदर पोर्ट को भी थोड़ा सा डिजाइन कर दिया था, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब जो दूसरा काम ये था कि अब हमें अपने सारे गाँव वालों को ब्रीड करा के उनके बहुत सारे किट्स करवाने थे, तो उसके लिए मैंने भरी दोपहरी में जाके अपने पूरे खेतों में काम किया, और अपने सारे खेतों से अपने सारे गेहूँ को मैंने निकाल लिया, और इन सारे गेहूँ की मैंने एक मुलायम मुलायम सी रोटियाँ बनाई, और ये सारी रोटियाँ मैंने जाके गांव वालों को खिला दी ताकि ये ब्रीड करें। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रात होते होते हमारे फैमिली में आया एक जादू, और अभी मैं इस जादू के और भी छोटे मोटे भाई बहन को करवाने थे। तो फिर मेरे पास जितने भी बचे हुए गेहूँ थे उन सभी गेहूँ को मैंने फिर से मुलायम मुलायम रोटियाँ बना ली, और सारी रोटियाँ जाके फिर से मैंने गाँव वालों को खिला दी ताकि ये और ज़्यादा ब्रीड करें। एंड फाइनली लगातार 3 दिन तक यही करने के बाद हमारे पास बहुत सारे गांव वाले हो गए थे। तो इन सभी गांव वालों को नौकरी पे रखने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल बना ली। फ्लेचिंग टेबल देखो क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि इस पूरे भरे हुए जंगल में सिर्फ हमारे पास ये बड़े बड़े पेड़ है, और इन पेड़ों को काटने से हमें डंडियाँ मिलती हैं, और इन डंडियों के बदले ये हमें असरफियाँ देते हैं। तो फिर ठीक है ना, तो फिर मैंने बहुत सारे गाँव वालों को यहाँ पर फ्लेचर बना दिया, और मेरे पास जितनी भी यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, उन सारी लकड़ियों को मैंने डंडियों में कन्वर्ट कर लिया। एंड सारी डंडियाँ जाके फिर मैंने इन गांव वालों को जाके बेच दी, उनसे मेरे बहुत सारी असरसियाँ मिली यहाँ से मेरे। तो लगातार 3 दिन तक सिर्फ मैंने यही किया कि डंडियाँ काटता रहा और इन्हें जाके बेचता रहा, जिससे मेरे पास इनफ एमरल्ड वगैरह हो सके। तो अभी मेरे पास इनफ एमरल्ड हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव वालों को थोड़ा सा पढ़ा लिखा बना के इनसे जादुई किताब ले लूँ, जिससे मैं अपने सारे टूल्स और आर्मर पे जादू टोना कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि यार, इन गांव वालों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए लेक्टन की जरूरत पड़ती है, और लेक्टन को बनाने के लिए बुक्स की, और बुक्स को बनाने के लिए चमड़े की, यार वही लेदर अपना। तो लेकिन अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लेदर लाए तो लाए कहाँ से। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ गाय हैं जिनको मैं ब्रीड करा के उनसे बहुत सारे लेदर ले सकता हूँ। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपने ब्रीडिंग हॉल के जस्ट बगल में ही अपने जानवरों के लिए एक छोटा सा तबेला बनाना चालू कर दिया, जहाँ पे इजीली ये रह के अपने आप को ब्रीड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने इनके लिए बहुत दिन तक इनके लिए काम किया, इनके लिए मैंने तबेला वगैरह बना लिया। सारी जानवरों को मैंने गेहूं की मदद से उनके उनके कमरे में उनको पहुंचा दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने बहुत दिनों तक यहाँ पे अपने खेतों में काम किया गेहूं के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी जानवर है सब गेहूं से ही ब्रीड होते हैं। तो बहुत सारे गेहूं ले जाके फिर मैंने इनको सभी को मैंने ब्रीड करा दिया, और बहुत दिनों तक मैंने इन्हें ब्रीड कराया। एंड भाई फिर लेदर के लिए सबको मार दिया मैंने। अबे साले, फिर मुझे जितने भी लेदर मिले उन सारे लेदर से मैंने अपने लिए बुक बना ली, और इन सारे बुक से मैंने अपने लिए एक बुक सेल बना लिया, और इन सारे बुक सेल से मैंने बहुत सारी बनाई लेक्टन। फिर मैं चला गया अपने गांव वालों के पास इन्हें पढ़ा लिखा बनाने के लिए। एंड बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद इन्हें पढ़ा लिखा बनाया मैंने, ताकि इनसे मुझे और अच्छे से अच्छे और कम से कम दामों पर मुझे अच्छे से अच्छे बुक्स मिल सके। फाइनली फिर मुझे गाँव वाले ने एक्वा इन्फिनिटी की बुक दे दी, और फिर एक विलेजर ने मुझे लूटिंग टू दे दिया, और फिर एक विलेजर ने अपग्रेड होकर मुझे यहाँ पे एक रुपए में मेंडिंग की बुक दे दी। तो इससे फिर मैंने सारी बुक्स यहाँ पे मैंने खरीद ली। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया, और अपने घर के आंगन में यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर दिया, और जितने भी मेरे पास टूल्स है नॉर्मल है सारे टूल्स है नॉर्मल को मैंने वहाँ पे इंचान कर दिया, और जितने भी मुझे गांव वालों से बुक्स मिले थे सारे बुक्स को मैंने फिर अपने टूल्स है नॉर्मल पे भी लगा दिया। The next morning. और फाइनली यार इसे लगाने के बाद काफी ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, और अब मेरे पास सारी चीजें हो चुकी थी, पर अभी सबसे एक चीज खटक रही थी कि अभी तक मेरे पास एक भाई रहने के लिए घर नहीं है। यार मैंने गांव वालों के लिए सब कुछ कर दिया, अपने जानवरों के लिए भी कर दिया, पर मेरे लिए अभी तक भी घर नहीं है। तो चलो गाइस फिर शुरू करते हैं अपना एक बहुत बड़ा घर बनाना। पूरा महल बन के रेडी हो चुका था, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मेरा घर कैसा लगा, और अगर हो सके तो प्लीज ये फायर वाला इमोजी इसके अंदर स्पैम कर देना, तो काफी अच्छा फील करेगा मुझे भी यार। ओके तो चलो अभी अपने को एक आखिरी इंपॉर्टेंट काम करना था कि इस काली खनीज की बच्ची को मार के हमें इस माइनक्राफ्ट का एंड करना था। तो फिर मैं निकल जाता हूँ नेदर में साइकिल अगरबत्ती और एंडरमैन की आंखों को कलेक्ट करने के लिए। नेदर में जाते सबसे पहले मैं एक छोटा सा गड्ढा यहाँ पे करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके एंडरमैन को यहाँ पे छेड़ता हूँ आग दिखा दिखा के, ताकि ये आ जाए और उनको मैं अच्छे से मार सकूँ। और यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन को मैं यहाँ पे मारता हूँ, और सच में लूटिंग 3 की स्वॉर्ड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एंडरपल्स वगैरह मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एंडरपल्स को यहाँ पे मारा, एंडरमैन को मैं यहाँ पे मारा एंडरपल के लिए। तो लगभग मुझे यहाँ पे 2 स्टैक के करीब में मुझे जो है एंडरपल मिल जाते हैं। तो फाइनली मुझे लगभग 2 स्टैक के करीब में जब एंडरपल मिल गया, तो फिर मैं चला गया ब्लेजर्स को मारने के लिए। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को सामने ही 2-3 ब्लेजर्स मिल गए जिनको फटाफट से मैं यहाँ पे मारने लगा। मुझे यहाँ पे लूटिंग 3 की वजह से मुझे ब्लेज रॉड भी बहुत जल्दी यहाँ पे मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ब्लेजर्स घूम रहे थे इन सभी ब्लेजर्स को मैंने यहाँ पे मार दिया, और इनसे साइकिल अगरबत्ती यहाँ पे मैंने कलेक्ट की। एंड बहुत सारी साइकिल अगरबत्ती कलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इनके स्पॉनर तक चला गया, ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुझे साइकिल अगरबत्ती मिल पाए। तो फिर मैं इनके स्पॉनर पे जाके इनको फिर से थोड़ा सा मार देता हूँ, एंड इनफ मेरे पास बहुत सारे 9 साइकिल अगरबत्ती हो गई, तो उसे लेकर फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड पे चला आता हूँ। फिर सरफेस करने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड और जितने भी एंडर पल थे उन सभी से मैं अपना आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ।
मैंने अपने ब्रीडिंग हॉल में जाके मेरे पास जितने भी बेड पड़े थे उन सारे बेड्स को वहाँ से कलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रैगन को मारना थोड़ा सा ईजिएस्ट वे में मैं मारना चाहता था उसको, तो मैं थोड़ा सा बेड वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पहला फेंडर थ्रो करता हूँ स्ट्रॉन्ग होल की तलाश के लिए, फिर मैं निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल की जर्नी के लिए। एंड मेरे पास सारी चीज़ें थी, खाना वगैरह सब चीज़ मैं लेकर निकला था। एंड थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल का पोजीशन मिल जाता है, तो मैं डिक करके नीचे चला जाता हूँ। डिक करते करते मैं डायरेक्टली पोर्टल रूम के पास में ही डिक करके निकलता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रीपर आके मुझे परेशान करता है पुकट में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके स्पॉनर को तोड़ता हूँ। और मेरे पास जितने भी आयो फेंडर थे सारे आयो फेंडर को इसमें लगा देता हूँ। एंड निकल जाता हूँ एंड सिटी में ड्रैगन को मारने के लिए। तो जैसे मैं अभी पहुंचता हूँ तो थोड़ा सा दूर दूर मैं ब्लॉक्स लेकर आया था, तो मैंने सारी ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस करके यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। तो अब अपन आ गए हैं यहाँ पर इस एंड ड्रैगन को मारने के लिए, मार के हम माइनक्राफ्ट का एंड करने वाले हैं। तो सारे बोलो मेरे साथ हमने एंडरड्रैगन को मार दिया है पर माइनक्राफ्ट कर दिया है एंड। और हाँ, अगर आप लोग अभी यहाँ तक आकर वीडियो को देख रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने घर का एड्रेस देके जाना यार। मैं पर्सनली आपके घर तक घर पे आके आपको मैं यहाँ पे बुके देख के आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। और ये मैंने कुछ अलग करने की ट्राई की है और इसको इंस्पायर्ड होकर मैंने ट्राई किया मिस्टर मैं हूँ मुगेम्बर से, तो उसका भी कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन लोगों की वीडियो जाके जाके देख सकते हो। काफी इंटरटेनिंग पर्सन है यार वो। ओके, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सेकंड पार्ट में आप इसका क्या देखने जाते हो। और एक प्रॉमिस है मेरा कि सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द इसका देखने के लिए मिलेगा, अगली बार ऐसा इस बार आपको लेट नहीं होगा। ओके, तब तक के लिए एंजॉय एंड पीस आउट गाइस।